नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आज शुरू करते हैं अपने राजस्थान में साहित्य का टॉपिक चल रहा है, राजस्थान का साहित्य का इतिहास। राजस्थान का साहित्य इस साहित्य में अपन आगे बात करें कि अपने यहाँ पर कौन सी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर लिखी जाती है, कौन से प्रमुख कवि हुए हैं, उनके द्वारा कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी जाती है। ठीक है, इनकी अपन बात करें तो इनमें यहाँ अपन देखें कविराज, इनको कविराज की उपाधि प्राप्त है, कविराज, श्यामल दास, श्यामल दास ददीवाड़िया। कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया इनका नाम है। ठीक है, इनकी रचना है वीर विनोद। कविराज की रचना कौन सी है? वीर विनोद है, वीर विनोद। ठीक है, वीर विनोद रचना जो है कविराज श्यामल दास की है। ये प्रश्न कितनी ही बार परीक्षा में पूछा जाता है या फिर इनको मिलान के लिए दिया जाता है कि इन इन रचनाओं को इन कवियों से मिलान कीजिए। मिलान वाला प्रश्न आता है इनमें, वीर विनोद रचना अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी रचना है, श्यामल दास की रचना है। ये श्यामल दास जी जो है अपने मेवाड़ है, मेवाड़ के जो सज्जन सिंह जी थे, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी के दरबार में कवि रहे थे। श्यामल दास जी जो है मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी के सज्जन सिंह जी के दरबार में कवि रहे हैं, कहाँ रहे हैं? मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह जी, इन सज्जन सिंह जी के दरबार में इन्होंने राज मतलब जो राज था उनके शासन के समय यहाँ पर दरबारी कवि थे। ठीक है, और इनको जो है मेवाड़ महाराणा ने किनके द्वारा, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा कविराज व महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई, की उपाधि दी गई, तब से इनको कविराज कहते हैं। कविराज कौन है? श्यामल दास। ठीक है, और राजस्थान का राजकवि जो सूर्यमल मिश्रण है, इसका ध्यान रखना, कविराज अगर राजस्थान का राजकवि पूछ ले तो श्यामल दास नहीं होगा, वहाँ पर सूर्यमल मिश्रण होगा। राजस्थान के राजकवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। यहाँ पर कविराज है श्यामल दास जी। ठीक है, आगे देखें, इसमें इनकी पुस्तक में एशिया यूरोप व अमेरिका का अमेरिका की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन, भौगोलिक अवस्था के लो या भौगोलिक अवस्था का वर्णन किया गया है, भौगोलिक अवस्था का वर्णन किया गया है, किया गया है। पहले खंड में तो एशिया यूरोप व अमेरिका का भौगोलिक अवस्था का वर्णन, भौगोलिक विशेषता का वर्णन
किया गया है। और दूसरे तीसरे चौथे खंड में जो मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, कि जो संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास जो है कविराज चमन दास जी द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, दूसरे दूसरे तीसरे वह चौथे खंड में मेवाड़ का इतिहास लिखा जाता है, मेवाड़ का इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, कि पहले खंड में तो है इनके द्वारा एशिया, यूरोप व अमेरिका महाद्वीप जैसे महाद्वीपों की उनके द्वारा भौगोलिक विशेषताओं का बताया जाता है पहले खंड में। दूसरे तीसरे चौथे खंड में मेवाड़ का इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा कविराज श्यामलदास दधिवाड़े के द्वारा इनकी रचना है वीर विनोद है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आगे है कान्हा व्यास, कवि का नाम है कान्हा व्यास। ठीक है, कान्हा व्यास द्वारा जो है एक रचना लिखी जाती है एकलिंग महात्म्य, प्रसिद्ध रचना है। कौन सी रचना है? एकलिंग महात्म्य। ठीक है, एकलिंग महात्म्य रचना जो है कान्हा व्यास द्वारा लिखी जाती है। ये एकलिंग महात्म्य जो है सबसे पहले इसका पहला पाठ जो है महाराणा कुंभा द्वारा लिखा जाता है। किनके द्वारा? कुंभा द्वारा लिखा जाता है। बाकी का शेष पाठ जो है कान्हा व्यास द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, इस पुस्तक का या इस ग्रंथ का पुस्तक कह लो, इस पुस्तक का तो का पहला भाग राजवर्णन, क्या नाम है? राजवर्णन जो है कुंभा द्वारा लिखा जाता है, कुंभा द्वारा लिखा जाता है। इसका जो पहला भाग है उसको कहते हैं राजवर्णन। ये राजवर्णन जो है महाराणा कुंभा द्वारा लिखा जाता है और बाकी का शेष पाठ जो है कान्हा व्यास द्वारा लिखा जाता है। वह इसमें गुहिल शासकों की गुहिल शासकों की वंशावली वह मेवाड़ का सामाजिक व राजनैतिक सामाजिक व राजनैतिक सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है, राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। ठीक है, कि एकलिंग महात्म्य जो है गुहिल वंश के जो शासक है, गुहिल वंशों की वंशावली है, वह मेवाड़ का सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का मेवाड़ की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का वर्णन एकलिंग महात्म्य में वर्णन किया जाता है। इनके द्वारा कान्हा व्यास नामक व्यक्ति द्वारा, इनके कवि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है कर्णिदान, कवि का क्या नाम है? कर्णिदान। कर्णिदान द्वारा सूरज प्रकाश रचना लिखी जाती है। कि इसमें क्या है? इसमें बीकानेर के राठौड़ वंश के शासकों का वर्णन है, वहाँ के जो उनकी वंशावली चली आती है, बीकानेर के राठौड़ वंश है
उनकी वंशावली का वर्णन इसमें कर्णिदान के द्वारा किया जाता है, कर्णिदान के द्वारा सूरज प्रकाश नामक रचना में किया जाता है। ठीक है, इसमें देखें सूरज प्रकाश के अंतर्गत क्या, इसमें इसमें बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासक शासक अभय सिंह से लेकर पुलिस अभय सिंह ने प्रारंभिक के राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासक शासक राव सिंह से लेकर अभय सिंह तक का वर्णन है। अभय सिंह तक का वर्णन है। ठीक है, कि इसमें बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रारंभिक शासक थे राव सिंह से लेकर अभय सिंह तक का जो शासन जो वंशावली चली आई है उनका वर्णन जो है इसमें सूरज प्रकाश में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट रचना देखें, नेक्स्ट है अपने जैसे कवि नागरीदास सावंत सिंह या फिर इसको कृष्ण सिंह भी कह लो, जिन्होंने बनी ठनिका चित्र बनाया है। सावंत सिंह जो किशनगढ़ के शासक थे, ठीक है, कहाँ के शासक थे, किशनगढ़ के शासक थे, इनके द्वारा राजा व कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए हैं। राजा व कृष्ण से संबंधित रचना लिखी है। ठीक है, कि राजा व कृष्ण से संबंधित रचना इनके द्वारा लिखी जाती है। सावंत सिंह है जो किशनगढ़ के शासक है, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था, इनको सावंत सिंह कह लो, नागरीदास कह लो, इनका कृष्ण सिंह कह लो, इन्हीं के नाम है। ठीक है, इनकी रचना देखें, इनकी रचना है सिंगार सागर ब्रज सागर वैराग्य सागर और एक रचना और है इनकी, वो है ग्रीष्म बहार। ये चारों रचना जो है सावंत सिंह जी द्वारा लिखी जाती है, कि सिंगार सागर, ब्रज सागर, वैराग्य सागर और ये ग्रीष्म बहार, ये चारों रचना इनके द्वारा लिखी जाती है। इन चारों का एक काव्य संग्रह बनाया जाता है। उस काव्य संग्रह का नाम है नागर समुच्चय नाम से इनका एक काव्य संग्रह किया जाता है। इन चारों रचनाओं का काव्य संग्रह किस नाम से किया जाता है? नगर समुच्चय नाम से एक काव्य संग्रह किया जाता है। ठीक है, इन चारों रचनाओं का। ठीक है, ये राजा से संबंधित, राजा व कृष्ण से संबंधित रचना लिखी है इनके द्वारा। ठीक है, आगे देखिए अपन, नेक्स्ट आगे है उद्योतन सूरी की रचना है कुलई माला। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी प्रश्न बनता है हर बार कि कुलई माला रचना किनकी है या फिर उद्यतन सूर्य की रचना कौन सी है। तो कुलई माला जो है उद्यतन सूर्य की रचना है, कि इसमें प्राकृत भाषा का ग्रंथ है
उलयमाला जो प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, ठीक है, कि प्राकृत भाषा में इसको उलयमाला को उद्यतन सूर्य के द्वारा लिखा गया था उस समय। और इसमें जो है प्रत्यार शासक वत्सराज के जीवन ग्रंथ का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, कि इसमें उद्यतन सूर्य में उलयमाला में प्रत्यार शासक वत्सराज के शासन के प्रबंध की रचना है, कि वत्सराज के द्वारा जो शासन का संचालन किया जाता था वह शासन प्रबंध किस प्रकार से, यानी उस शासन का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता था। वत्सराज के शासन प्रबंध की रचना है कि उस शासन का मैनेजमेंट किस प्रकार से वत्सराज करते थे, उसका वर्णन जो है इसमें उलयमाला में किया जाता है, ठीक है। ये होगी इनकी उद्यतन सूर्य की रचना है उलयमाला, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक और कवि है अपने शिवदास गार्डन की रचना है अचलदास खिचड़ी वचनिका। यह रचना जो है शिवदास गार्डन द्वारा अचलदास खिची के ऊपर लिखी जाती है। इनके दरबारी कवि थे शिवदास गार्डन अचलदास खिची के, और 1423 में अचलदास खिचड़ी वचनिका और 1423 में हुए शक्य का वर्णन इसमें किया जाता है। 1423 में शक्य का वर्णन, मतलब यहाँ पर जो शाखा होता है उसका वर्णन भी इसमें किया जाता है। 1423 में हुए शक्य का वर्णन भी इसमें किया गया है, लिख लो 1423 में हुए शाखे का वर्णन है, ठीक है। अचलदास खिचड़ी वचनिका नामक ये रचना लिखी जाती है। वहाँ के शासक थे यहाँ के अचलदास खिची के ऊपर ही ये ग्रंथ लिखा जाता है अचलदास खिचड़ी वचनिका, ठीक है। अब आगे अपन देखें डायरेक्ट अपन जो कवि है कवि और रचना के नाम देखेंगे डायरेक्ट, इनका मैटर देख लिया है खूब है इतना। आगे अपन डायरेक्ट कवि और कवि की रचना का नाम ही पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि है अपने बिट्टू सुजा की रचना है राव जैत शिरो छंद। ये इनकी रचना है, ठीक है। बिट्टू सुजा की रचना है राव जैत शिरो छंद, ठीक है। और बिट्टू सुजा की रचना राव जैत शिरो छंद इनके द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। ये भी प्रमुख रचना है बिट्टू सुजा की। इसमें राव जैसी के बारे में जो जैसलमेर के शासक उनके वर्णन किया जाता है। आगे है ईश्वरदास बारट की रचना है। इसमें हला जालारी कुंडलिया इनकी रचना है हला जालारी कुंडलिया, जो ईश्वरदास बारट की रचना है, ठीक है।
श्री लिखेपन श्रीधर व्यास की श्रीधर व्यास की रणमल छंद और दुर्गा सप्तशती ये इनकी रचना लिखी जाती है। ठीक है कि रणमल छंद व दुर्गा सप्तशती जो है इनकी श्रीधर व्यास की रचना है। ठीक है रणमल छंद व दुर्गा सप्तशती श्रीधर व्यास की रचना है। फिर लिखे सयाजी झूला सयाजी झूला की है रुक्मणी हरण और नागदमन किनकी रचना है सयाजी झूला की रचना है रुक्मणी हरण और नागदमन। ठीक है फिर मोरजी आसिया मोरजी आशा की रचना है पाबू प्रकाश ठीक है पाबू प्रकाश है आशा मोरजी की रचना है पाबू प्रकाश। इसको मोरजी आशा भी कहते हैं या फिर आशा मोरजी भी नाम मिल सकता है दोनों ही नाम मिल सकते हैं इनका नाम को आगे पीछे भी। ठीक है दोनों नाम है पाबू प्रकाश और एक है बिट्ठू मारा जिनको पाबू जी के ऊपर ही रचना लिखी गई है बिट्ठू मारा इनके द्वारा पाबू जी रा छंद लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है पाबू जी रा छंद। ठीक है और एक और कवि है उनके द्वारा पाबू जी के सोठे लिखे जाते हैं कौन है रामनाथ कविया रामनाथ कविया द्वारा पाबूजी रे सोरठे लिखे जाते हैं पाबूजी रा सोरठा। तो मतलब यहाँ पर पाबूजी के ऊपर जो लोक देवता राजस्थान के लोक देवता पाबूजी है उनके ऊपर पाबू प्रकाश नामक रचना लिखी जाती है पाबूजी रा छंद और पाबूजी रा सोरठा ये तीनों रचना लिखी जाती है। ठीक है आशा मोरजी द्वारा पाबू प्रकाश लिखा जाता है बिट्ठू मारा द्वारा पाबूजी रा छंद और इनके द्वारा रामनाथ कविया द्वारा पाबूजी रा सोरठा रचना लिखी जाती है। ठीक है फिर एक कवि है कृपाराम खड़िया जी के द्वारा जो है एक रजियारा सोरठा नामक रचना लिखी जाती है कौन सी रजियारा सोरठा रामनाथ कविया द्वारा पाबूजी रा सोरठा लिखी जाती है और कृपाराम खड़िया द्वारा रजियारा सोरठा नामक रचना लिखी जाती है। ठीक है यहाँ देखिए अपन और आगे है हेमरत्न सूर्य हुए हैं इनके द्वारा एक प्रसिद्ध रचना लिखी जाती है। ठीक है कौन सी है कि गोरा बदल की चौपाई कौन सी रचना है गोरा बदल की चौपाई ठीक है कि उद्योतन सूरी हेमरत्न सूर्य के द्वारा गोरा बदल की चौपाई नामक रचना लिखी जाती है। ठीक है और फिर है सदाशिव भट्ट की जो है सदाशिव भट्ट जी के द्वारा जो है राज रत्नाकर व राज विनोद दोनों रचना इनके द्वारा लिखी जाती है कि राज रत्नाकर
और राज विनोद दोनों रचना जो है सदाशिव भट्ट द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, फिर है अपने हरिभद्र सूरि को ले लेते हैं। हरिभद्र सूरि की रचना है तुरताख्यान और समेरा इच्छा का सुमेरा इच्छा कहा। ये इनकी हरिभद्र सूरि की रचना है तुरताख्यान और सुमेरा इच्छा कहा। ठीक है, ये दोनों रचना हरिभद्र सूरि द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट कवि है अपने नल्यापन बुद्धिसागर सूरि की रचना है कि पंचग्रंथी व्याकरण लिखा जाता है। कौन सी रचना है पंचग्रंथी व्याकरण लिखा जाता है। कौन सा व्याकरण? पांच ग्रंथों को मिलाकर लिखा जाने वाला ग्रंथ कौन सा है? पंचग्रंथी व्याकरण जो है इनके बुद्धिसागर सूरि द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, फिर ले अपन हेमचंद्र सूरि की रचना है शब्दानुशासनम और देशी नाम माला कोश। ठीक है, कि हेमचंद्र सूरि द्वारा शब्दानुशासनम और देशी नाम माला कोश दोनों रचना जो है इनके द्वारा लिखी जाती है। हेमचंद्र सूरि द्वारा शब्दानुशासनम और देशी नाम माला कोश, इनका भी प्रश्न अक्सर बनता है कि हेमचंद्र सूरि की रचना कौन सी है, शब्दानुशासनम देशी नाम माला कोश, इस प्रकार से ऑप्शन में देकर मिलान भी लगवा सकता है और आपस में डायरेक्ट देकर भी पूछ सकता है। ठीक है, और देखिए अपन हेमचंद्र सूरि हो गए, जसवंत सिंह जी द्वारा रचना लिखी जाती है भाषा भूषण व एक और रचना है इनकी सिद्धांत बोध। ठीक है, भाषा भूषण और सिद्धांत बोध जो दोनों रचना किनकी है, जसवंत सिंह जी की है। ठीक है, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि जसवंत सिंह जी की रचना कौन सी, वो नेट में भी आया था, नेट के पेपर में भी ये जसवंत सिंह जी की रचना पूछा गया। ठीक है, आगे देखें आगे कवि है मुरारी दान के द्वारा जो है एक रचना लिखी जाती है। कौन सी रचना? जसवंत जसोभूषण। जसवंत जसोभूषण जो मुरारी दान द्वारा लिखी जाती है रचना। ठीक है, और आगे है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हरिकेली नाटक लिखा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा हरिकेली नाटक जो है यहाँ पर जो अभी वर्तमान में अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा है, ठीक है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया था, तोड़ने के बाद में इसके ऊपर भी अभी भी वर्तमान में भी हरिकेली नाटक का उद्धरण यहाँ पर किया गया है, और आधा हरिकेली नाटक का उद्धरण जो है
एक अमेरिका के अमेरिका लंदन के ब्रिटेन के अंतर्गत एक वहाँ पर भी एक हरी के लिए नाटक का एक आधा हरी के लिए नाटक वहाँ लिखा गया है, और आधा यहाँ पर अजमेर में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है उसके ऊपर लिखा गया है। जो पहला सबसे पहले क्या था, संस्कृत पाठशाला थी, ये हरी के लिए नाटक लिखा गया है। ये जो पहली जो वर्तमान में ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करता था, जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ही स्थापित है, और इनके ऊपर हरी के लिए नाटक लिखा गया। ठीक है, पहले अपन राजशेखर की रचना है, प्रबंध कोश है। कौन सी रचना है? प्रबंध कोश है, राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश है। और मेरुतुंग की रचना है, इनकी मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। क्या है? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। ठीक है, कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट है मणि मधुकर। मणि मधुकर की रचना है पग फेरो। पग फेरो और सपनों के तीर। सपनों के तीर ये इनकी रचना है, इनकी मणि मधुकर की है। पग फेरो और सपनों की तीर मणि मधुकर कवि भी इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। और ले अपन एक है जान कवि। जान कवि की रचना है, इनकी है बुद्धि सागर। बुद्धि सागर और रस मंजरी। बुद्धि सागर रस मंजरी और है ज्ञानदीप। ये तीनों रचना जो है जान कवि की है, बुद्धि सागर रस मंजरी और ज्ञानदीप। ठीक है, किनकी है? जान कवि की है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि रचना किनकी है। ठीक है, और वो ले ले अपने इसमें अन्नाराम सुदामा। अन्नाराम सुदामा की रचना है महकती माया मुलकती धरती, और दूसरी रचना है आंधे ने आख्या। कौन सी है? महकती माया। महकती माया मुलकती धरती। महकती माया मुलकती धरती और दूसरी रचना है इनकी आंधे ने आख्या। क्या है? आंधे ने आख्या, ये इनकी रचना है। इनकी अन्नाराम सुदामा की महकती माया मुलकती धरती व दूसरी रचना है आंधे ने आख्या। ठीक है, ये प्रसिद्ध रचना है, इनके बारे में पूछा जाता है साहित्य में। हेमचंद्र की हो जाएगी गोरा बादल की चौपाई, सदाशिव भट्ट के रत्नाकर, राज रत्नाकर व राज विनोद हो जाएगी, हरिभद्र सूरी की धूर्ता ख्यान में सुमेरु इच्छा कहा, बुद्धि सागर की पंच ग्रंथी व्याकरण है, और हेमचंद्र की शब्दानुशासन और देशी नाममाला कोश है, और जसवंत सिंह की जसवंत जसोभूषण सॉरी भाषा भूषण और सिद्धांत बोध इनकी रचना हो जाएगी, और मुरारी दान की जसवंत जसोभूषण हो जाएगी। मुरारी दान की जसवंत जसोभूषण और यहाँ पर जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण, इसका ध्यान रखना, इन दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना। विग्रहराज चतुर्थ का जो हरि के लिए नाटक है, राजशेखर का प्रबंध कोश है, और मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि है, मणि मधुकर का पग फेरो स्वप्नों के तीर है, पग फेरो और सपनों के तीर, जान कवि की बुद्धि सागर रस मंजरी और ज्ञानदीप है, और अन्नाराम सुदामा की महकती माया मुलकती धरती और आंधे ने आख्या, ये रचना प्रसिद्ध है, इनके बारे में प्रश्न बनता है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।